जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी लोगों को पता है, इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन नेवी हो, या फिर आप लोग की जो है आर्मी हो, तो इसके अंतर्गत जो वैकेंसियाँ निकल के आती थी आप लोग के आर्मी के लिए, जीडी की भर्ती रही हो, कलर की रही हो, या फिर आप लोग की ट्रेड्समैन या टेक्निकल की वैकेंसियाँ रही हो, या फिर आप लोग की जो एयरफोर्स में वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं एयरमैन वगैरह की, और इसके अलावा नेवी में भी आप लोग की SSR MR वगैरह की जो भर्तियाँ निकलती रहती हैं, ओपन भर्तियाँ निकलती हैं आप लोग की, तो ये भर्तियाँ कुछ समय से आप लोग की रुकी हुई थी और इसका कोई रीज़न नहीं पता चल पा रहा था कि क्या है, क्या होने वाला है, क्यों इन भर्तियों को रोका गया। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही एक सरकार के द्वारा जो एक रूल्स लगा दिया गया इन सभी रिक्रूटमेंट पे कि अब जो ये सारी भर्तियां होंगी, चाहे वो एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, या फिर आप लोग की आर्मी में हो, ये अग्निपथ स्कीम के तहत होंगी। यानी कि इनमें कोई भी भर्ती, अब आपकी जो मैंने आप लोग को जानकारी दी है, इसमें जो भी भर्तियां होंगी, जो भी स्टूडेंट भर्ती होंगे, वो अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर कहलाएंगे। ठीक है, अब जो भर्तियां होंगी ये अग्निवीरों के लिए भर्ती होगी। अग्निवीर बोलने का मतलब यहाँ पे ये है, ये भर्तियां सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए होंगी, सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए होंगी। आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। जहां भी आप लोग के आगे पोस्ट के आगे अग्निवीर लगा दिया गया, तो आप लोग समझ जाइए कि ये व्यक्ति जो है ये 4 साल की जॉब के लिए, ये व्यक्ति 4 साल की जॉब वाला है, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो, या एयरफोर्स का हो। तो अग्निवीर का मतलब आप लोग 4 साल यहाँ पे समझ सकते हैं। ऐसा सरकार ने डिसीजन लिया और इस रूल्स को लागू कर दिया। तीनों ही डिपार्टमेंट में, तीनों ही डिपार्टमेंट की भर्तियां रुकी हुई थी, इसीलिए तीनों ही डिपार्टमेंट की भर्तियां यहाँ पे एक साथ निकाल दी गई हैं कुछ कुछ दिनों के अंतराल पे। जी हाँ, बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है और बहुत ही तेजी से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जो फर्स्ट स्टेप है, यानी कि जो पहली भर्ती है, वो अच्छी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करा ली जाए ताकि आगे का प्रोसेस भी जो है सुचारू रूप से इसी तरीके से चलता रहे। तो बहुत तेजी से आप लोग का काम यहाँ पे चल रहा है। अब इन भर्तियों को लेकर के काफी स्टूडेंट परेशान हैं क्योंकि तीनों भर्तियां आपकी एक साथ आ गई हैं और बहुत ज्यादा मीन्स एक माहौल सा क्रिएट हो गया, अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर, और तीनों भर्तियां एक साथ आ गई हैं। बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं कि सर मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, सर क्या मैं नेवी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मैंने नेवी के लिए कर दिया है, क्या मैं इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई लोगों ने इस क्वेश्चन को पूछा है क्योंकि तीनों ही डिपार्टमेंट में जो भर्तियाँ हैं वो अग्निवीर की ही हो रही है। इस वजह से स्टूडेंट परेशान है कि सर ये अग्निवीर की भर्ती तो मैंने एयरफोर्स में भर दी, क्या अब आर्मी में भी अग्निवीर की भर्ती के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाला है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप लोग को क्लियर कर दूं, यदि ये अग्निवीर नहीं थे तो क्या आप लोगों की भर्तियां आती थी तो आप लोग अप्लाई नहीं करते थे? आपने इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई किया तो क्या आप लोग एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? आपने एयरफोर्स का फॉर्म भरा तो क्या आप लोग नेवी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? जी नहीं, ये तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। ठीक है, वैकेंसियां साथ दिख रही हैं लेकिन ये तीनों डिपार्टमेंट अलग हैं, नेवी अलग है, एयरफोर्स अलग है, और आप लोग का यहाँ पे आर्मी अलग है। तो पहले भी आप लोग भर्तियां भरते रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स की भर रहे हो, नेवी की भर रहे हो, और आर्मी की भर रहे हो, तो अभी भी आप लोग का यही प्रोसेस है। आप लोग की एयरफोर्स की भर्ती चल रही है, आप लोग को पता होना चाहिए, 5 जुलाई लास्ट डेट है। यदि आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया, किसी भ्रम में है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए। एज आप लोग की 17.5 से 23 साल सभी डिपार्टमेंट के लिए है, तो 17.5 से 23 साल आप लोग की एज कर दी गई है। एजुकेशन जो है एयरफोर्स के अंतर्गत आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए, अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और 10+2 पास आप लोग यहाँ पे होने चाहिए। चाहे आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो, फिजिक्स से हो, मैथ से हो, या फिर आप लोग के पास कॉमर्स हो, आर्ट हो, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एग्रीग्रेट आप लोग के 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि आप लोग 10+2 पास हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 50% मार्क्स होने चाहिए। और इंग्लिश आप लोग के पास होनी चाहिए, उसमें भी 50% होनी चाहिए। यदि 10+2 नहीं है, डिप्लोमा कर रखा है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी आप लोग 50% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए।
ये प्रोसेस है, 5 तारीख लास्ट डेट है, आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, किसी भ्रम में आप लोग नहीं रहिए, आप लोग एज वगैरह देखिए, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कीजिए। इसके बाद मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग की इंडियन नेवी की भर्ती यहाँ पे आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन इसके भी स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन आप लोग यहाँ पे करवा लेंगे। 2500 प्लस आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है, यहाँ पे काफी अच्छी वैकेंसी है और मेल फीमेल दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप लोग के स्टार्ट है 1 जुलाई से और 15 जुलाई को आप लोग का इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 15 जुलाई से आप लोग के यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। भर्ती जो आप लोग की हो रही है वो SSR और MR की भर्ती है, जी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट की भर्ती है और मैट्रिक रिक्रूट की आप लोग की भर्ती है, काफी अच्छी वैकेंसी है। SSR के लिए आप लोग यहाँ पे 10+2 पास होने चाहिए और फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री यानी कि PCM आप लोग के पास है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। PCM नहीं है तो आप लोग के पास फिजिक्स मैथ के साथ साथ यहाँ पे बायो होनी चाहिए, यदि बायो नहीं है तो फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर आप लोग के पास होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं नेवी के लिए, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराइए, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लोग अप्लाई कीजिए नेवी के लिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, 15 तारीख से 15 जुलाई से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई हो जाएंगे, 22 जुलाई आप लोग की लास्ट डेट रहेगी। 2500 प्लस वैकेंसी, जी 2800 वैकेंसी आप लोग की इंडियन नेवी के अंतर्गत है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बस साइंस आप लोग के पास होनी चाहिए यानी कि फिजिक्स मैथ आप लोग के पास होना चाहिए और फिजिक्स मैथ के बाद आप लोग के पास केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो या फिर कंप्यूटर हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन फिजिक्स और मैथ आप लोग के पास होनी ही चाहिए, ठीक है। ये आप लोग का नेवी का हो गया। नेवी के अलावा इसमें आप लोग की जो MR की भी भर्ती आने वाली है वो ओनली और ओनली यदि आप लोग 10th पास हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसका वेट कीजिए, नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप लोग ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कर देंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप लोग जो है अभी से करा के रख लें। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रेशन आप लोग के ओपन हो चुके हैं, वीडियो बना दिया मैंने। इसके अलावा आप लोग की जो इंडियन आर्मी, जी इसके अलावा आप लोग की इंडियन आर्मी की भी भर्ती साथ में ही निकाल देगी, तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग वेबसाइट है, सब कुछ अलग अलग है, तो इंडियन आर्मी के अंतर्गत भी आप लोग के यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, इंडियन आर्मी में आप लोग की ऑल ओवर इंडिया कई ARO हैं, ठीक है, तो कुछ ARO की भर्तियाँ यहाँ पे अभी आ चुकी हैं। 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आप लोग के यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि पहले आप लोग का रजिस्ट्रेशन होना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई होना है। बाकी के ARO की भर्तियां भी जल्द ही आएंगी और कुछ भर्तियां जो है अभी इवनिंग में मैंने देखा अपडेट हुई है और आने वाले समय में बहुत ही जल्द आप लोग को यहां पे अपडेट होता रहेगा। जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाएगा। वैसे जो अभी ऑनलाइन अप्लाई की डेट है वो 1 जुलाई से 30 जुलाई है। आपके ARO का नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग अपने नोटिफिकेशन में देख सकते हैं आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई की डेट क्या है, उस डेट तक आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और जब आप लोग की रैली होगी आप लोग के एडमिट कार्ड वगैरह लेकर के जाना होगा। तो इसमें जो वैकेंसी है इंडियन आर्मी के अंतर्गत काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ हैं। GD की वैकेंसी निकलती है, कलर की वैकेंसी है आप लोग की, ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, ट्रेड्समैन 10th पास, ट्रेड्समैन 8th पास और इसके अलावा आप लोग की टेक्निकल की वैकेंसी भी है। तो इंडियन आर्मी के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन आर्मी का जो आप लोग का है मीन्स एजुकेशन का क्राइटेरिया बहुत ही अच्छा है, बहुत दिक्कत होने वाली जरूरत नहीं होगी आप लोग को। यहाँ पे आप लोग यदि ट्रेड्समैन GD के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग 10th पास यहाँ पे होने चाहिए, 45% यहाँ पे एग्रीगेट होने चाहिए और सभी सब्जेक्ट में आप लोग के 33% मार्क्स होने चाहिए, आप लोग GD के लिए अप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से कलर के लिए आप लोग 10+2 पास आप लोग यहाँ पे होने चाहिए और इसके अलावा आप लोग ट्रेड्समैन के लिए, ट्रेड्समैन 10th पास के लिए आप लोग 10th पास यहाँ पे होने चाहिए और एग्रीग्रेट आप लोग के 33% होने चाहिए। सभी सब्जेक्ट में कितने भी नंबर हो कोई दिक्कत नहीं, एग्रीग्रेट आप लोग के 33% होने चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप लोग ट्रेड्समैन 8th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग 33% मार्क्स होने चाहिए, 8th की मार्कशीट आप लोग को लगानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप लोग इंडियन आर्मी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही ARO की भर्ती आए आप लोग देखते रहेंगे, वेबसाइट पे मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, देखिए आपके ARO की भर्ती आई है नहीं आई है। तो कुल मिला के मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, एयरफोर्स नेवी और इंडियन आर्मी तीनों के लिए आप लोग अप्लाई कीजिए, तीनों में ही अप्लाई कीजिए, जहां पे आप लोग का नंबर आ जाए वहां पे आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए। तो ये है आप लोग का फंडा अग्निवीरों का, ठीक है। तो आप लोग अग्निवीर बनिए, किसी भी डिपार्टमेंट में बनिए, जिस डिपार्टमेंट में आप लोग का नंबर लग जाए उस डिपार्टमेंट में आप लोग चले जाइए। अब मैं समझ गया कि आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगी। अब भी कुछ प्रॉब्लम हो रही तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी देता हूं और देता रहूंगा। तो एयरफोर्स की भर्ती कंप्लीट होने वाली है, जल्द अप्लाई कीजिए, नेवी के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई की डेट आएगी और इसके अलावा आप लोग को जो है इंडियन आर्मी के लिए भी अप्लाई कीजिए। ओके भाई, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।